We'll be right back.
सकता हूँ, किस तरह का अनुभव मिल रहा है? इस तरह का अनुभव मिल रहा है कि पहले जो गाना इन्होंने रिकॉर्ड करवाया था वो मुझे कहीं से भी समझ नहीं आया. फिर इन्होंने मेरे को बड़ी, इन्होंने मेरे अंदर जो जज्बात थे उनको समझा और इन्होंने बहुत अच्छा गाना रेडी करवाया है जो हिंदी और भोजपुरी मिक्स है. तो हल्की हल्की तो मैं भी अब कैच कर रही हूँ, मुझे भी धीरे 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 समझ आ रही है. जैसे भोजपुरी में बा का मतलब है, तो धीरे धीरे कैच हो रही है. तो मतलब ये गाना ख़त्म हो तो सपना थोड़ी सी तो भोजपुरी सीख करी जाए. बिल्कुल. अच्छा, गाने में भी सपना का ही नाम है. हाँ. तो ये सपना की फरमाइश थी? नहीं, कि प्रोड्यूसर की फरमाइश थी? नहीं, नहीं. अब वो तो ये जाने, लेकिन मुझे अच्छा लगा इन्होंने मेरा नाम. अच्छा, आगे भी अगर सपना को इस गाने के बाद भी कोई ऑफर आए भोजपुरी से तो करेंगी? जरूर. तो कैसा लगा आज का जो आधा सॉन्ग मेरे साथ शूट हो चुका है, तो किस तरह का अनुभव मिला सपना? अच्छा, बहुत अच्छा. जो हमारे कोरियोग्राफर सर बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, और जितने भी अब तक मैंने गाने किए हैं मैंने मतलब अपने टच में किए हैं, जो मेरा डांस थीम है उसको लेके किए. लेकिन आज जो वो करा रहे हैं वो थोड़ा बहुत अलग है, वो मतलब कैच करने में बहुत मतलब लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन मैं कर रही हूँ. सपना, बिग बॉस की बात कर लीजिए. बिग बॉस का फिनाले बहुत बहुत ही नज़दीक है, अभी एक वीक भी नहीं बचा है. तो आपको कौन लग रहा है, कौन विनर हो सकता है? कौन विनर हो सकता है, देखिए वहाँ का भी कुछ नहीं बता सकते. हाँ, लेकिन ये कह सकती हूँ कि हिना और शिल्पा में टफ कंपटीशन है, दोनों में से कोई भी जीत सकती है. विकास भी डिज़र्विंग है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है शुरू से ही. और बाकियों के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि आकाश मेरे दिल के बहुत करीब, अगर वो जीतेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी. लेकिन जहाँ तक अब तक दिख रहा है, हिना और शिल्पा में बहुत टफ कॉम्पिटिशन है. बिनक्षा के साथ एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ था, काफ़ी वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है अंदर और बाहर, मतलब जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ वो प्री और बिनक्षा ही है. तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों, और बिनक्षा मुझसे मिलती रहती है, बात करती रहती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे. सर ना, एक फिल्म भी आप कर रही है अभय देओल के साथ? नहीं, उसमें भी सॉन्ग ही है. सिर्फ एक सॉन्ग? हाँ, वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग है. तो फिनाले में जाने वाली है सपना? हाँ. तो और कोई प्रोजेक्ट्स है जिसपे जिसके ऑफर मिले आपको? अगर मैं और प्रोजेक्ट बताऊंगी तो आप दोबारा कहाँ से आएंगे? तो अपने दर्शकों को कुछ कहेंगे आज के गाने को लेकर? मैं ये कहूंगी कि गाना बहुत अच्छा है, और भोजपुरी में पहली बार आपको ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि हिंदी भी और भोजपुरी भी. गाना बहुत प्यारा है, आप सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा. क्योंकि जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना तो इसमें चीज़ें दो चार ऐसी लाइन है कि आप हंसेंगे, जैसे मैं हंसी सुन के, मैं ये क्या है रे. तो अभी बहुत हंसेंगे, गाना बहुत प्यारा है. तो प्रमोशंस का हिस्सा भी बनेंगे? देखते हैं, कोशिश है. बाकी अगर वक्त रहा तो मैं ज़रूर, और नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच सब. बेसिकली हरियाणा की क्वीन है वो, दिखाने की या उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. एंड कमाल का काम कर रही है. आई थिंक कि ये फिल्म का एक बहुत बड़ा टर्नआउट होगा, एंड आई होप ऑल द बेस्ट. अच्छा, फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि फर्स्ट पार्ट जब आई थी उससे कितना डिफरेंट हो गया सेकेंड पार्ट? हाँ, फर्स्ट पार्ट एक दहेज प्रथा पे था, कंगन के पीछे ही लड़ाई थी आत्मा बन के, जो बहू ने घर वालों को मारा. मेरा भी सब्जेक्ट ऐसा ही है, बेसिकली है कंगन के पीछे ही. लेकिन इसमें जो समावेश जो मैंने मिक्सिंग किया है ना, वो योग और तंत्र का, तंत्र के बारे में लोगों की बड़ी भ्रांतियाँ हैं, तो मैंने कोशिश की है कि योग के बगैर जैसे तंत्र का संपूर्णता हो नहीं सकता. आघोरी जो होते हैं कहते हैं योगी भी होते हैं और तांत्रिक भी होते हैं, कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन का मैंने फिल्म बनाया है, कहानी बनाई है. बाकी दर्शक, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे. अच्छा, रवि जी हमेशा कहते हैं कि मैं अघोरी हूँ, उनको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है फिल्म में? बहुत कमाल का है, रहस्य मत पूछिए. रवि जी का एकदम अलग रूप दिखाई पड़ेगा इस पिक्चर में, और मैं कहता हूँ कि जैसे ज़्यादा क्या बोलूँ, बस अमेजिंग रोल रहेगा उनका. कई लोग ऐसे इस फिल्म में हैं जिनका बहुत अच्छा ग्राफ आएगा, बहुत अच्छा. फिर सपना को लेने का खास रीज़न क्या रहा? वो हरियाणा से हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में आते हैं, शायद
देखिए बेसिकली क्या है ना कि कुछ अलग करने की चाहत शुरू से रही है मुझे अपनी फिल्मों में। तो मैंने इसका डांस देखा था और आमतौर पर भोजपुरी का एक ट्रेडिशनल डांस ऑलवेज रहता है। मैं सोचा कुछ अलग करूं, कुछ डिफरेंट। तो मैंने फिर इसलिए सपना का जो यूट्यूब पे वगैरह देखा तो मुझे लगा कि शी हैज समथिंग अलग डिफरेंट, बस इसलिए मैंने ट्राई। फिल्म में सर काजल है, शुभी है, उनके बारे में बताएंगे वो किस तरह से फिल्म में नजर आएंगे? काजल एक बहुत ही चंचल और अलमस्त लड़की का रोल उसने किया है, चंदा के कैरेक्टर को, रवि की अपोजिट है। सुभी एक कमाल का कैरेक्टर है, मैं राज नहीं खोलना चाहता, बस ये जान लीजिए बहुत अहम कैरेक्टर है सुभी का इस फिल्म में, एकदम सेंटर में है। सर शूटिंग अब आप कितने दिन और होगी, कब तक फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा कुछ बताइए? मार्च फर्स्ट वीक मेरा टारगेट है कि मैं इसको मार्च के आसपास रिलीज़ कर सकूँ, और बस आज और कल दो दिन और पैचेस बाकी हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू सर।